नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ और मैं हूं स्मृति। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक काफ़ी सराहनीय कार्य करने जा रही है, यानी कि हेल्थ मेले का आयोजन, जो कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। हमारे साथ है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 10 न्यूज़ में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो हेल्थ मेले का आयोजन है, ये किस उद्देश्य के साथ और ये जो पहल की शुरुआत कैसे हुई? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का भी एक दायित्व बनता है कि समाज के साथ डायरेक्टली जुड़े, और ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है, तो हमने सोचा कि ये बहुत उपयुक्त समय है कि जब हम एक ऐसा कुछ करें ताकि हम समाज के साथ डायरेक्टली जुड़ें, और ये हमारा ध्येय भी है। और हर यूनिवर्सिटी को एक एक्सटेंशन एक्टिविटी जो है समाज से जुड़ना भी होता है, तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और इसमें बहुत सारे हेल्थ के इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम एक बड़ा हेल्थ मेले का आयोजन करें और सब इंस्टीट्यूशन मिलजुल के जो है हेल्थ के जो अलग अलग इश्यूज हैं उसको हम उठाएं, और मेनली जो फोकस है वो है कि एक कदम अच्छे स्वास्थ्य की ओर, ताकि हम एक प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं, तो खासकर आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देखने को मिलती हैं, वो सब जीवन शैली से हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बहुत सारा जो चीज़ें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें जो हैं, इस पर अगर हम थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये सब एक हमारा फोकस है। और इसके अलावा बहुत सारे चेकअप्स होंगे वहाँ, और बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, अवेयरनेस होगा, आयुष जो है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, इस पर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि किस तरह से हम एक इन पद्धतियों के द्वारा हम एक होलिस्टिक हेल्थ की ओर जा सकते हैं। सर, मुख्यतः किन तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे आप लोगों को? हम चेकअप, फ्री चेकअप करेंगे, जैसे मैंने बताया कि कैंसर का चेकअप है, INT, डेंटल और लिवर और हीरिंग, तो इस तरह की अलग अलग हमारे वो है हीमोग्लोबिन, ब्लड, डायबिटीज़, इस तरह की जो चेकअप्स हैं वो हम करेंगे, और ब्लड प्रेशर, इस तरह के जो जिससे हम एक डायग्नोस कर सकें कि क्या कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ है जो बाद में गंभीर बन सकती है। सर, यूनिवर्सिटी के 25 साल पूरे हो गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा? नहीं, यूनिवर्सिटी हमारी, यूनिवर्सिटी ने 25 साल में बहुत अच्छा काम किया है। आज हम 131 कॉलेजेस इसका हिस्सा हैं, लगभग 90,000 छात्र छात्राएं इसमें पढ़ते हैं, और एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, इसने एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की में एक अपना स्थान बनाया है। और 25 साल, हालांकि यूनिवर्सिटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर 25 साल में हमने अपने मापदंडों पे हम सही उतरे हैं। A++ हमारी NAC की रैंकिंग है, हम इंडिया की टॉप 75 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, और इस साल हमने वर्ल्ड रैंकिंग में भी एंटर किया, तो यूनिवर्सिटी कुल मिला के बहुत अच्छा कर रही है। और हमने इस साल ईस्ट कैंपस भी खोला है, और आने वाले समय में हम नॉर्थ कैंपस भी खोलेंगे, तो हम जो है अपनी जगह बना रहे हैं, और आने वाले समय में हम और तरक्की करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 से 10 अक्टूबर तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में आना ना भूले, फ्री हेल्थ चेकअप होगा और कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी। बने रहिए 10 न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।